ठीक है, वो आर एक्स होगा, ठीक है। ये है माइक्रो कंट्रोलर जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, और साथ में मान लो अभी ये हम एंड्रॉइड बोर्ड की बात कर रहे हैं, टीएमएमसी लगी है, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर इनपुट में आने वाले जो भी, मान लो अभी हमने एचडीएमआई इनपुट दिया है और एचडीएमआई सिलेक्ट किया हुआ है प्रोसेसर के अंदर, जो भी एचडीएमआई है उसकी स्विच कनेक्ट होकर प्रोसेसिंग के लिए गई है अभी, एज पर ईएमएमसी आईसी के हिसाब से प्रोसेसिंग करना है इस सिग्नल को, ठीक है, क्योंकि इसमें से निकलने वाला टीएक्स सिग्नल जो है, ठीक है, टीएक्स सिग्नल क्या है, एलवीडीएस सिग्नल, ठीक है, ये किस फॉर्मेट में निकलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, इसके अंदर की प्रोग्रामिंग। हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग क्या किए है, 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 किए है, या 1920 1080 की है, या ठीक है, ये तीन में से क्या है इसके अंदर आईसी के अंदर प्रोग्राम, उस हिसाब से प्रोसेसर इनपुट सिग्नल को टीएक्स फॉर्मेट में आगे ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, एलवीडीएस के फॉर्म में। एलवीडीएस क्या है, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, 1366, 768 या 1920, 1080, ठीक है, लेकिन 3840 मल्टीप्लाई बाय 2160 के लिए ये नहीं है एलवीडीएस, इसको एलवीडीएस नहीं बोलेंगे, इसको ही खाली एलवीडीएस है, हाई स्पीड डेटा लाइन, जिसमें चार जोड़ी 4 पैर सिंगल चैनल या 8 पैर डबल चैनल, ठीक है, इसमें इसको दूसरा भी नाम दिया गया अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी, यूएचडी, जैसे आते हैं अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी, इसी को दूसरा नाम है ये इसका, ठीक है, तो ये समझ गए ना, इसमें से जो आउटपुट टीएक्स सिग्नल जो निकल रहा है इसी फॉर्मेट में होगा जैसे कि आपने इनपुट दिया है। अब यहाँ पर पैनल कैसी लगी है उसी हिसाब से भी ये जो अपने ये 920x1080 का है या 1360 यहाँ से जो दे रहे हैं वो, ये तो पुराने जमाने का टीवी का जो सिग्नल था ना वैसा ही सिग्नल जो नॉर्मल पहले नॉर्मल जो आता था, पहले एचडीएमआई भी था पता है, एक कोई कोई टीवी में एचडीएमआई भी आता था, तो ये नॉर्मल टीवी पे भी चलता ब्रॉडकास्ट चलता था, वही सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, कोई चेंजेस यहाँ नहीं है, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वहां सेम है, जो चेंजेस हुए हैं, और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आजकल 16:9 के हिसाब से ब्रॉडकास्ट करता है, पहले टाइम में 4:3 के हिसाब से ब्रॉडकास्ट करता था, ये एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो जो था पहले का 4:3, इसलिए आप देख रहे होंगे कि 2005 से पहले के जो ब्रॉडकास्टिंग कोई भी वीडियो वो इस फॉर्मेट में ही प्ले होते हैं, चाहे आज भी प्ले करो, साइड साइड कटे हुए होंगे, चौरस दिखेगा, ऊपर नीचे फुल हिट होगा, लेकिन जो चौड़ाई है उसकी कटी हुई होगी, तो वो क्यों कटी हुई होती है, बिकॉज वो 4:3 के हिसाब से है जब बने थे, तब अभी 16:9 के हिसाब से ब्रॉडकास्ट होते हैं सिग्नल, जो सोनी जी नेटवर्क या सब्सक्राइबिंग जो भी नेटफ्लिक्स एमेजोन प्राइम ये सभी 16:9 के हिसाब से ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसलिए अभी जो टीवी है वो बनते भी 16:9 के हिसाब से, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया 3840 2160 16:9 के हिसाब से ही कैलकुलेट किया है, देखो आप, ठीक है, 16 का 9 है तो x इज इक्वल टू 2160, तो मैंने 2160 मल्टीप्लाई बाय 16 किया डिवाइड बाय 9 will get the result of 3840. और ये 1920 में भी वही वैसा ही है, और 19 सभी का सभी का 1080 आएगा, अगर जो आपके पास 1080 है तो 1920 फाइंड आउट होगा इस फॉर्मूला से, और अगर जो आपके पास 1920 है तो 1080 आ जाएगा, मतलब आप दोनों ही तरीके से कोई एक भी पिक्सल आपके पास है, पिक्सल अरेंज ही इस फॉर्मेट में किए गए, इसके अंदर जो पिक्सल अरेंजमेंट है
वही इस फॉर्मेट में किए गए हैं कि 16:9 का हमारा एस्पेक्ट रेशियो कायम है, ठीक है। इन फ्यूचर में आते हैं तो फिर वो रेशियो चेंज हो सकते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग चेंज करते हैं। हाँ, इन फ्यूचर अभी तो जो इन फ्यूचर जो भी चेंजेस आएंगे डिपेंड्स ऑन, अभी तो ये है, हो सकता है कि आगे आने वाले जनरेशन में मुझे लगता है वाइड एंगल ही यूज हो, ये चेंज फॉर्मेट नहीं होगा। हाँ, बस पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब वो एक हद आ गई थी, बोलते ना बेहद वेट किया आ गया 8000 पिक्सल्स, 8000 पिक्सल्स मतलब अब 4K में भी बहुत छोटी छोटी जगह बची थी, वो जो छोटी सी बारीक जगह थी वहां भी एक पिक्सल डाल दिया, दो पिक्सल के बीच में एक छोटी जगह थी उसको भी फिल कर दिया। ये फिल क्यों किया जाता है, जैसे अभी देखो 8K ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन तो मुझे नहीं लगता है कि कभी होगा, या 4K भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन नेटफ्लिक्स वगैरह होता है ना, वही 4K ब्रॉडकास्ट करता है बिकॉज उसको पैसे मिलते हैं, ऐसे ही पैसे मुंह मांग के पैसे मिलते हैं तो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं 4K, बिकॉज उसके लिए बहुत बड़ा सर्वर रूम चाहिए, क्योंकि उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए उतनी स्पीड होनी चाहिए, और वो पिक्सल इतने स्टोरेज के लिए डेटा स्टोरेज एरिया होना चाहिए। वो फिर पैसा लेते हैं और सब्सक्राइब करके आपको देते हैं, ठीक है। लेकिन सोनी सब टीवी और ये जो भी है चैनल्स चलती है, आप जो सेटअप बॉक्स से देखते हैं उसमें 4K नहीं होगा, तो अब देखो दिक्कत। अभी लोग बोलते हैं 4K टीवी ले लिया उन्होंने, 4K टीवी ले लिया, लेकिन वो 1920x1080 देखते हैं, वही रिजोल्यूशन तो वही होगा, रिजोल्यूशन वही होता है, जितना आप इनपुट दे रहे हो वही रिजोल्यूशन में वो गैप दिखेगी। मैं आज आपको डिफरेंस बिटवीन द पिक्सल की गैपिंग्स कैसी कैसी होती है वो बताता हूँ, ठीक है। हम आज ये भी इस पे प्ले कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से पिक्सल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और पिक्सल के हिसाब से आपकी जो पिक्चर क्लैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चाहे आपका 1920x1080 का डिस्प्ले होगा, लेकिन जो रिजोल्यूशन इनपुट जो देंगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट दिखेगा, वो 1920x1080 हमेशा नहीं रहेगा, डिपेंड्स ऑन द इनपुट रिजोल्यूशन वो पिक्चर दिखाएगा, ओके। मस्का मस्का एकदम चका।